नमस्कार, मैं हूं अमित राजपूत और आप हैं मेरे साथ लॉबस्कूप के फेसबुक लाइव पर। मित्रों, आज है पावन गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभ मंगल कामनाएं। लेकिन गुरु पूर्णिमा आज चंद्रमा पर अत्यधिक गुरु यानी कि भारी पड़ने वाला है। कहने का आशय यह है कि चंद्रमा को राहु ग्रसेगा। इसलिए इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिष पंडित मुरारी शरण शुक्ल जी। आपका लॉबस्कूप में बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आप सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का जो ग्रहण है वो किस राशि पर आ रहा है। ये ग्रहण आज का ग्रहण मकर राशि पर है और मकर राशि के साथ साथ ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ग्रहण है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम चरण होगा उस समय जब ये ग्रहण आरंभ होगा और ग्रहण चल रहा होगा। क्योंकि ग्रहण के आरंभ में जो नक्षत्र होता है उसी की गणना होती है। ग्रहण लगने के बाद यदि नक्षत्र परिवर्तन होता है तो परिवर्तित नक्षत्र की चर्चा नहीं होती, क्योंकि आरंभ का ही विशेष महत्व होता है। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पंडित मुरारी शरण शुक्ल जी को आप अपने सवाल हमारे फेसबुक में कमेंट करके आप बता सकते हैं। उनका ज्योतिष पंडित मुरारी शरण शुक्ल जी जवाब देंगे। आप धीरे धीरे करके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हम तक भेज सकते हैं, हमारे पंडित जी उसका जवाब देंगे। पंडित जी, ग्रहण पर कुछ हमारे अजम्पशंस हैं। हम बेसिकली वो सारी बातें नहीं करेंगे जो लोग तमाम सारी वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं, अखबारों में उन्होंने पढ़ लिया है। हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को कुछ थोड़ा हट के जो उनकी शंकाएं हैं या जो वो पसंद करते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सारी बातें करेंगे। एक पहला सवाल जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के समय हम अपने मन का भाव क्या रखें? क्या ये गम है या हम खुशी मनाएं या हम क्षुब्ध हो जाएं या हम भयभीत हों? ये क्या है? आप ये रखिए कि ग्रहण के समय कोई एक आम जो सामान्य मानवीय है वो किस तरह का अपना भाव बना करके रखे। ग्रहण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और गम भी पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आकाशीय पिंड है वो हमेशा आकाश में विद्यमान रहते हैं और उनके परस्पर स्थान परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसका ही कुछ एक प्रभाव रहता है। उससे गमगीन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, किंतु जो किरणों का प्रभाव परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आता है उससे जीव जंतु, चर अचर, जड़ चेतन सब प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का काल साधना का काल होता है। जो व्यक्ति जिस भी विधा में है, जिसका जो भी व्यवसाय है, जिसके अध्ययन का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित वो साधना करे, तो ये मान्यता है और यह पीढ़ियों से परंपराओं से प्रमाणित भी है कि उस विषय की उसको सिद्धि हो जाती है यदि ग्रहण में वो प्रयत्न करता है। जैसे एक एथलीट है अगर वो फिजिकल एक्सरसाइजेज करे, विशेष एक्सरसाइजेज जो उसको पोषित पुष्ट कर सकते हैं, तो वो उन विषयों में पारंगत हो जाता है। वैसे ही अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई साधना के विषय अगर आप ग्रहण में करते हैं तो आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब ना तो हम खुशी मना सकते हैं ना गम मना सकते हैं, हम अपने चित्त को साधें जिस पर्टिकुलर ये आपको स्वयं को तैयार करने का समय है, स्वयं की ऊर्जा को संरक्षित करने का समय है, स्वयं को अधिक मजबूत, दृढ़ और सफल बनाने का समय है, सफलता का मार्ग ढूंढने का समय है। पंडित जी, हमारे कुछ दर्शकों के कुछ सवाल हैं, आना कमेंट शुरू हो गए हैं, हालांकि हम ये बातचीत करेंगे। वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि रितु ढकोलिया है, उनका सवाल है कि ग्रहण का समय क्या है और ये सूतक क्या है। रितु जी, पंडित जी आपको बताएंगे कि सूतक क्या है। सूतक उस सेंस में इसको नहीं समझना चाहिए जैसे सूतक को और समय में समझते हैं। ये चंद्रमा के द्वारा परावर्तित किरणें, कुछ विशेष प्रकार की किरणें पृथ्वी पर जब अधिक मात्रा में आना आरंभ होता है तो कहते हैं कि उस समय जो डिग्रेडेबल मटेरियल्स है उसमें डिग्रेडेशन और उसके कंटेमिनेशन का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए जो पदार्थ, अब जैसे चावल, कच्चा चावल है तो गलता नहीं है, वो डिग्रेडेबल, इजिली डिग्रेडेबल नहीं है तो वो दूषित नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स हैं जो इजिली डिग्रेडेबल नहीं है तो वो जल्दी कॉन्टेमिनेट नहीं होते, उनको फेंकने की या खराब करने की आवश्यकता नहीं। किंतु जो कुक्ड मटेरियल है वो इजीली डिग्रेडेबल है तो उनको पकाने और खाने के लिए बंधन है, रोग है कि आप उसको कंटेमिनेटेड फूड मत खाओ, उससे आपके भविष्य में कमजोर और बीमार होने की संभावनाएं बनती है, तो उससे आप बचो। यानी स्वास्थ्य रक्षण के लिए इस सूतक की कल्पना है कि आप जो भी चीजें आसानी से डिग्रेडेबल है
इजीली डिग्रेडेबल है, आप उनको खाने पीने पर निषेध रखिए। और ये सूतक ग्रहण के कितने समय पहले शुरू हो जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का सूतक होता है, यानी कि ग्रहण आरंभ हो रहा है 11:54 से, तो आप उससे 9 घंटा पहले यानी 2:54 से सूतक मान। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग ग्रहण के समय, जो ग्रहण का पीरियड होता है, सपोज कि 11:54 से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो लोग 5 मिनट पहले ये कहते हैं कि बस 5 मिनट बचा है ग्रहण शुरू होने में, चलिए कुछ खा लेते हैं। क्या ये निषेध उनका जो भोजन का है, क्या ये सूतक के समय से रखना चाहिए या ग्रहण के जस्ट शुरू हुए? नहीं, सूतक के समय से ही रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही ये परहेज रखना चाहिए। किंतु इसमें कुछ छूट है, जैसे बच्चे हैं, वृद्ध है, बीमार है, उनके लिए सूतक की बाध्यता नहीं है, उनके लिए सूतक की कोई ऐसी बाध्यता नहीं रखी गई है, क्योंकि इनके लिए परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, भोजन अनिवार्य विषय है। बीमार को भूखा रखना तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, वृद्ध को भूखा रखेंगे तो हो सकता है वो बीमार हो जाए, तो लेकिन उसमें ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बच्चों को भी खाने पीने की सामग्री वही दें जो इजीली डिग्रेडेबल ना हो, जो कुक्ड मटेरियल है उससे बचने का प्रयास करें, जो आसानी से सड़ने गलने की प्रकृति वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें, ये अवश्य ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी, एक और हम सवाल लेंगे। सीपी श्रीवास्तव है, वो पूछ रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो क्या हम गुरु पूर्णिमा की पूजा सूतक काल से पहले कर लें या नहीं? एक इसमें मेरा भी सवाल ये है, मैं बहुत कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ। मैंने भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि पूजा ना करें, साधना ना करें, जबकि मैंने जो जहां तक मेरी जानकारी है कि ग्रहण पे तो लोग सिद्धियां करते हैं, रुद्राक्ष धारण करने का जो सबसे उत्तम काल बताया गया है वो ग्रहण का ही है, तो ये क्या है? आप हमारे दर्शकों को इसके जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ये आप हमें बताइए कि हम पूजा करें या ना करें। मैंने आपको पहले ही कहा ये साधना का काल है, और साधना के कई पद्धतियों में से एक पद्धति पूजा है, इसके पूजा पर निषेध का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। और जब गुरु का आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें पूजा में डिग्रेडेशन वाली बात या उसमें कुछ विचलन वाली बात आती नहीं है, तो पूजन तो करना ही चाहिए। अगर आप गुरु का पूजन करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण भाव और निष्ठा भाव रखते हैं, तो आपकी उस भाव की सिद्धि होती है। गुरु ने जो आपको ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान का यश बढ़ता है, तो इसलिए गुरु के पूजन में कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई निषेध नहीं है। ये सूतक वो मृतक और श्राद्ध वाला सूतक नहीं है, उसको ऐसे आप समझिए। तो आप पूजन पर निषेध ना करें, पूजन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल और श्रद्धा से आप पूजन करें, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जाप करें, साधना करें, आपको सिद्धि मिलेगी। वैसे पूजा की बात हो रही है तो एक पूजा शर्मा का भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए। वो 2-3 बार मकर राशि वालों को शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि आज ग्रहण मकर पर ही है, ग्रहण में राहु का प्रभाव होता है, और मैंने पहले ही कहा था कि शनिवत राहु यानी राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है, ग्रहण केवल राहु के प्रभाव का ही विषय है, तो इसलिए शिव जी का पूजन करना चाहिए। और इस ग्रहण के बाद पीपल की पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, आपने राहु का नाम लिया, मैं राहु पर एक सवाल मेरा है, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सुबह से कई लोग अपने गुरु की पूजा करने के बाद अपने अपने आश्रमों से वापस आ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि पंडित जी ने बताया कि सूतक का हमारे गुरु की आराधना में कोई निषेध ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज अपने सदगुरु का पूजन करिए, भंडारा छक्के को अच्छे से प्रसाद प्रसाद लेकर के आइए। आते हैं हम राहु के सवाल पे, प्रसाद वाले विषय पर आपत्ति। जी 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 जी, क्योंकि प्रसाद भोज्य पदार्थ है, कुक्ड मटेरियल है, उसमें निषेध करिए। ये बहुत बड़ी बात पंडित जी ने बताई है कि अगर आप सदगुरु के आश्रम में हैं तो आप आराधना गुरु की कर सकते हैं सूतक काल में, अगर भंडारा चखना है आपको तो आप सूतक प्रारंभ होने के पहले भंडारा और प्रसाद चख लें, या बाद में, या तो फिर आप ग्रहण के बाद में चलिए। लेकिन ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद हो सकता है, ओके, सूखे ऐसे पदार्थों का प्रसाद हो सकता है जो डिग्रेडेबल नहीं है, ये बेसिकली प्योर साइंस है, यहाँ कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। और भारत के जो पंचांग गणना की पद्धति है उसमें चंद्र ग्रहण हम 20 साल 25 साल 100 साल पहले बता देते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कितने बजकर कितने मिनट पर लगेगा। ऑब्जर्वेटरीज तो अब बनी है, नासा जैसे संस्थान, इसरो जैसे संस्थान तो अब बने हैं, तब थोड़ी थे, और ये हमारी गणना पद्धति आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। पंडित जी, आपने अभी राहु का नाम लिया था, तो राहु से मुझे ख्याल आया कि हमने जो अपनी क्लास में पढ़ा है सौर मंडल, उसमें हमने बायगॉड या किसी हमारे किसी ने नहीं पढ़ा राहु, आपने कभी राहु नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा,
तो जब हमारे सौर मंडल में राहु है ही नहीं, तो ये आपकी ज्योतिष में राहु कहाँ से आ गया? जी, बहुत बहुत उचित सवाल है जी। और इस प्रश्न के बारे में सबको ज्ञात भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि राहु एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, राहु भौतिक अस्तित्व वाला ग्रह नहीं है, राहु छाया ग्रह है। और जब हम छाया की चर्चा करते हैं तो प्रकाश के विज्ञान की पूर्णता होती है, क्योंकि छाया का अर्थ ही है कि प्रकाश कहीं है तो ही तो छाया बनेगी, प्रकाश की वैधता वहां स्थापित हो जाती है। तो प्रकाश के की वो किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें, सेलेस्टियल रेज जो चंद्रमा से विचलित होकर, चंद्रमा से विकिरित होकर, रेडिएट होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो चंद्रमा के एक ध्रुव से आने वाली ऐसी किरणों के समुच्चय ग्रुप, किरणों के ग्रुप का नाम राहु है, जो भारत में पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर, अन्य देशों में भी जनजीवन को, चर अचर सब प्रकार के पदार्थों को प्रभावित करती है, उनके अध्ययन का नाम राहु है। ओके। उस पर पड़ने वाले प्रभावों का नाम राहु है, किरणों के समुच्चय का नाम है। तो अच्छा, एक पंडित जी, एक सवाल और है मुझे। जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो बेसिकली दो कंटेंट ऐसे हैं जिन पर हमारा ध्यान है, एक्चुअली ग्रहण राहु और चंद्रमा। चंद्रमा और राहु की हम बात करते हैं, राहु पर मेरी शंका थी, वैसे ही शंका मेरी चंद्रमा को लेकर के भी है। आपके ज्योतिषी में चंद्रमा को एक ग्रह मानते हैं, जबकि हमने चंद्रमा को एज अ ग्रह नहीं पढ़ा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह, हमारे यहाँ सैटेलाइट है, आपकी ज्योतिषी में उसको ग्रह मानते हैं, ये विभेद कैसे पैदा हुआ, इसके इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, एस्ट्रोनॉमी जो है जी, वो रॉ फैक्ट्स का एनालिसिस है। जो ब्रह्मांड में फिजिकल एंटिटीज हैं उनके बारे में अध्ययन एस्ट्रोनॉमी है, किंतु एस्ट्रोलॉजी उन सारे अंतरिक्ष में उपस्थित प्रभावों, मतलब एंटिटी, फिजिकल एंटिटीज और नॉन एंटिटीज, उनके प्रभावों का व्यवहारिक अध्ययन है। जैसे चंद्रमा यद्यपि उपग्रह है पृथ्वी, लेकिन दूर बैठे जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, उन सब की तुलना में चंद्रमा हमारे अधिक पास है। सूर्य के स्थान परिवर्तन से मकर राशि में जाने पर भी, या कर्क राशि में आने पर भी, या किसी भी राशि में जाने पर कोई वैसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखता जैसे चंद्रमा के परिवर्तन से दिखता है। जब फुल मून डे होता है, जैसे आज पूर्णिमा है, तो आज समंदर में ज्वार भाटा है, समंदर की लहरें ऊंची उफान मारेंगी। उसका एक कारण मकर भी हो सकता है, जो कि विषुवत के नीचे मकर है, तो मैं समझता हूँ कि उस समुद्री को जल आप बिल्कुल सारे सारे समंदर विषुवत रेखा पर नहीं है। हाँ, हाँ। वो में परिवर्तन भी है। हाँ। किंतु जब चंद्रमा फुल मून डे जिस दिन होता है, पूर्णिमा होता है, उस दिन समंदर में विशेष उफान आता है। उस दिन बहुत सारे प्राणियों के अंडे थैच होते हैं चंद्रमा के प्रभाव में, जिनका बीपी हाई रहता है उनमें से अनेकों का बीपी और बढ़ जाता है चंद्र पूर्णिमा के दिन। तो उसमें बताना यह चाह रहा हूं कि चंद्रमा पृथ्वी के जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है, जो अन्य स्थापित ग्रह हैं उनकी तुलना में अधिक प्रभाव है। इस कारण से उसके इन प्रभावों को ध्यान में रखकर अन्य ग्रहों के साथ इसको ग्रह के तौर पर ज्योतिष में उसकी कल्पना की गई है। यानी कि जिन, चाहे वो ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, हम पृथ्वी के जो भी प्राणी हैं जिनका सरोकार है, तो उनको हम अपने साथ जोड़ लिए हैं। तो चूंकि व्यवहारिक तौर पर उसको ग्रह की मान्यता हमने दी है, एस्ट्रोनॉमी की संकल्पना अलग है, एस्ट्रोलॉजी की संकल्पना अलग है। और उसी प्रकार से फिजिकल एंटिटी न होते हुए भी हमने राहु और केतु को भी ग्रह की मान्यता दी है, क्योंकि उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा का, सूर्य का, शुक्र का, बुध का, शनि का पड़ता है। पंडित जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कई सारे लोग अपनी अपनी राशियां बता रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनके राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आप कमेंट लिखना जारी रखिए, हम अपने लाइव के अंतिम सेगमेंट में इस विषय पर बात करेंगे, अलग अलग राशियों पर इस आज के ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम बताएंगे। इससे पहले एक सवाल है मनीषा राजौर का, आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनीषा। वो लिखती हैं पंडित जी कि मेरा जन्मदिन है तो मेरे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला मेरा साल कैसा रहेगा और मुझे कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। नाम मनीषा है, नाम मनीषा है, नाम से तो उनकी राशि अलग आएगी, लेकिन जन्मपत्री की जो राशि है उसके आधार पर उनका आकलन करना चाहिए, क्योंकि जन्मपत्री की ही राशि मूल राशि होती है जी। इस पर आगे कुछ सवाल आएगा तो मैं उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। ठीक है। और
दीप्ति कॉल का एक सवाल है कि तुला राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दीप्ति हम आप लाइव हमारा देखते रहिए, हम सेगमेंट के अंतिम में बताएंगे राशि के अनुसार की कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्रम में। पंडित जी आज के लोगों का सवाल ट्रैवलिंग पे भी है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आज के दिन ट्रैवल करना अच्छा है कि या नहीं है और रात के समय ट्रैवल करना अच्छा है। यात्रा आकस्मिक है, जिनको करने की बाध्यता है उनको यात्रा करने से रोक नहीं है। यात्रा जब आप करते हैं तो आजकल पैदल यात्रा नहीं करते, पैदल यात्रा कमी होती है, तो आप किसी न किसी वाहन में यात्रा कर रहे होते हैं और वाहन किरणों को रोकता है, वाहन में आप कई प्रकार के ब्रह्मांडीय किरणों से बचते हैं, तो इसलिए एक इंडोर टाइप का ही माहौल रहता है और उसमें आपको अधिक समस्या नहीं है। तो आप हम अगर बंद गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो हम लोग यात्रा कर सकते हैं। चलिए पंडित जी आज का जो ग्रहण है ये इस पूरी शताब्दी का सबसे लंबा अवधि का चंद्र ग्रहण है, तो इसके अलग अलग प्रभाव अलग अलग मायने हैं। तमाम सारे लोगों ने इस मसले पर बातचीत की है और जो भी हमारे दर्शक हैं पाठक हैं एक बेसिक फंडामेंटल उनको क्लियर है। आपसे मेरा सवाल ये है कि चंद्रमा राहु और हम जहां हैं पृथ्वी, इसके अतिरिक्त चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है उसका तो प्रभाव पड़ेगा हम पर, लेकिन एक और संयोग बन रहा है कि चंद्रमा के नजदीक मंगल भी बैठा हुआ है, तो उसका हम पृथ्वीवासियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ उसके अलग मायने होंगे? ये मंगल अभी मकर राशि में है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। उच्च का? हाँ, मंगल उच्च का होता है, तो चंद्रमा के साथ मंगल होने पर जी उसको चंद्रमंगला योग बोलते हैं ज्योतिष में, और वो कई पहलुओं के लिए बहुत लाभदायक भी है, किंतु कुछ पहलुओं के लिए वो हानिकारक भी है। जैसे यदि चंद्रमा को अगर आप बॉडी का फ्लूइड मानते हैं हम ज्योतिष में, यस, बॉडी के फ्लूइड का रिप्रेजेंटेटिव चंद्रमा होता है और मंगल अग्नि है। मंगल अग्नि अग्नि है, हाँ, ओके। तो अग्नि का प्रभाव बॉडी फ्लूइड्स पर पड़ने का अर्थ है फ्लूड्स का उत्तेजित होना, उनका टेम्परामेंट बढ़ जाना, हाँ। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो हानिकारक होगा, किंतु आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो लाभदायक। मंगल का चंद्रमा के साथ होना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, क्योंकि वो आपको एक्टिव बना देगा और आप अपना प्रोडक्टिविटी, सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से लाभदायक है, लीडरशिप की दृष्टि से लाभदायक है, क्योंकि जब आपके अंदर थोड़ा एक उबाल रहता है तो आपके डोमिनेटिंग नेचर आपका आता है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी आती है, मंगल लीडरशिप क्वालिटी देता है, अपनी बात को रखने का मनवाने का एक स्वभाव देता है, तो उस दृष्टि से लाभदायक है। तो मंगल राशि या लग्न में? नहीं, मंगल मकर राशि में आज बैठा है, जिस राशि पर आज ग्रहण है, ओके, उस राशि में मंगल भी बैठा है, केतु भी साथ में है और चंद्रमा भी साथ में है। पंडित जी एक मेरा सवाल है और एक आया भी है यहाँ पे, आदर्श रूप लिखते हैं कि काल सर्प का दोष जिन पर चल रहा है तो उनको क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हमने पढ़ा है कहीं, एक अखबार का उन्होंने नाम लिखा है, मैं वो अखबार का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि काल सर्प दोष जिन पर है उन पर ये अधिक प्रभाव पड़ेगा और उनको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहला तो ये सवाल कि ये कहां तक सही है कहां तक गलत है और उनके प्रिकॉशंस क्या है। इसके सवाल के जवाब से पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि ये काल सर्प दोष है क्या, और उससे भी पहले मेरा ये सवाल है कि ये अस्तित्व में है ऐसी कोई चीज या नहीं है काल सर्प दोष के विषय में। काल सर्प दोष एक विभ्रम है, विभ्रम है, पूरी तरह से कंफ्यूजन है, एक सिंथेटिक कंसेप्ट है। काल सर्प दोष नाम के शब्दावली का वर्णन ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। क्या? ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन, काल सर्प दोष का वर्णन ज्योतिष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है, किंतु राहु के प्रभावों का वर्णन है, राहु के प्रभावों का पूरा वर्णन है। राहु के जैसे नौ ग्रहों का वर्णन है तो उसमें राहु और केतु भी फिजिकल एंटिटी न होते हुए भी ग्रह है, छाया ग्रह है और उनका पूरा वर्णन है। राहु के समाधान करने से ही जिसको आप काल सर्प दोष कह रहे हैं उन सब विषयों का समाधान हो जाता है। और इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप फलाने जगह जाकर पूजा कराइए, वहां जाकर पूजा करें, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि आप शिव की साधना करें, शिव की पूजा करें, काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, विभ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठगे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक चीज है कि मैंने ऐसा सुना है कि जिनको दोष है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप या तमाम और भी उपाय करते हैं। मेरा अपना ये मानना है जैसा कि आपने मुझे बताया, आज मैंने पहली बार सुना है कि ज्योतिष में काल सर्प दोष जैसी कोई चीज है नहीं,
तो क्या ये क्षेपक है कि बाद में उपमा से जोड़ दिया गया है कि काल सर्प दोष करके, तो आप इसको क्या मानते हैं? अगर ये रियलिटी में ज्योतिष में नहीं है तो क्या आप इसको क्षेपक क्षेपक मानेंगे? क्षेपक कह भी सकते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि कैसे लोगों ने विकसित किया होगा, तो राहु के प्रभाव चूंकि अनप्रेडिक्टेबल प्रकार के होते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि राहु जीवन में जब भी उसका प्रभाव चल रहा होता है तो बहुत उतार चढ़ाव लाता है, एक प्रकार की स्थिति नहीं रहने देता है, तो उस कारण से राहु को काल कहा गया है। काल यानी समय वाला काल से हटकर जो काल जीवन में संकट इत्यादि के रूप में प्रयुक्त होता है, उस काल के रूप में उसको राहु को समझा जाता है, और राहु को ज्योतिष में सर्प की भी तुलना दी गई है। ओके। और उसी लिए उन्होंने काल सर्प योग कह दिया। ये पूर्णतः राहु के प्रभाव की चर्चा है। काल सर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप राहु का समाधान जो ज्योतिष में वर्णन है उस प्रकार से करिए। इसका कोई वो जो सर्प जीव है उससे कोई सरोकार नहीं है, ये राहु की उपमा है। दर्शकों आपको हम बताना चाहेंगे कि काल सर्प दोष जैसी कोई भी ऐसा मायने या गढ़न ज्योतिष में नहीं है। काल सर्प दोष राहु का चूंकि कुप्रभाव होता है तो उस कुप्रभाव को सर्प की उपमा दी गई है, तो इस तरह से काल सर्प दोष बना है। अगर हम अपने राहु को साध लें तो शायद हम जो है काल सर्प दोष से बच सकते हैं। इसके उपाय में आपने बताया कि शिव की आराधना करें, तो ठीक है। पंडित जी एक सवाल और आया है, ये भी राशि से जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रीति त्रिवेदी का एक सवाल है कि वो लिखती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, लिखती हैं और उनका अंतिम मास चल रहा है, तो उनको क्या क्या विशेष प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस चंद्र ग्रहण में? प्रीति की आयु तो अच्छी होगी, उनका शरीर मैच्योर्ड है, इसलिए उनके खुद के शरीर पर ग्रहण का प्रभाव खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उनके गर्भ में जो बालक पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे का शरीर बहुत इमेच्योर होता है, जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, तो ग्रहण में यदि गर्भवती स्त्री बाहर जाती है, घर के बाहर जाती है और सेलेस्टियल रेज के सामने एक्सपोज होती है, उसका ओम यानी उसके पेट का हिस्सा एक्सपोज होता है, तो बच्चे के ऊपर ग्रहण का बहुत कुप्रभाव पड़ता है। और ऐसा अभी तक लोगों के अनुभव में देखा गया है कि जिन माताओं को किसी व्यवस्था में ग्रहण के समय में बाहर रहना पड़ा, उनके बच्चों के अंग कहीं ना कहीं विकृत हो जाया करते हैं, इसलिए उनको ये पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रहण के समय वो बिल्कुल बाहर न निकले, कोई मजबूरी हो तो उसका भी निराकरण पहले से करके रखें। जी, और इसके अलावा शिशु हमारा माता के गर्भ में जिस अवस्था में रहता है वो अपनी चित यानी कॉन्शियसनेस के एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, तो उसका जितना भी हमारा भूगोल है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, तो पूरे भूमंडल में किसी भी तरह की कोई विकिरण चीजें अगर घट रही है हमारे खगोल विज्ञान में तो उसका सीधा प्रभाव वैसे भी पड़ता है, तो अगर वो सामने एकदम सीधा विकिरण के बीच में आएगा तो साइंटिफिकली उसका प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी चलते हैं हम लोग अपने सेगमेंट के अंत में। अब पंडित मुरारी शरण शुक्ल जी बताएंगे आपको अपनी राशियों के हिसाब से ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा। अब जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको हम एक बारगी लेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल फिर मेरे दिमाग में आ गया है। जी, मेरा नाम अमित है, हालांकि अमित नाम से राशि मेरी मेष है, लेकिन मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली का नाम अमुक है, उस अमुक नाम के परिणाम में मेरी राशि आती है धनु, तो आप मेरी शंका का समाधान करिए कि मैं अपनी राशि को धनु के हिसाब से देखूंगा या मेष के हिसाब से, एक सवाल। दूसरा, कुछ लोगों की कुंडली नहीं है तो क्या जिस नाम से उनको लोग आवाज देते हैं या जो नाम आसपास के लोग उनको लेते हैं क्या वो उस नाम से बुला सकते हैं या नहीं। तीसरा सवाल कि हम अपने जो अखबार पढ़ते हैं उसमें एक आता है वो उसको सनशाइन, आई थिंक सनशाइन बोलते हैं, तो वो सनशाइन वाला हम देखें या अपने जो नाम देखते हैं या अपनी कुंडली वाले ही उस नाम से राशि देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लोग पूछ रहे हैं कि मेरी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको अपनी राशि भी नहीं पता है। चौथा इसमें यह है कि जिनकी अपनी नाम भी है और जिनकी अपनी कुंडली भी है तो ये विभ्रम की स्थिति है, तो वास्तव में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो किस नाम से अपना पूछ रहे हैं वो आप क्लियर करिए पहले। देखिए, आजकल ज्योतिष में तीन चीजें प्रचलित है, एक तो
जन्म पत्री में जो राशि होती है, जो उनकी जन्म की राशि मानी जाती है, जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा रहा होता है वही उनकी राशि होती है। एक तो विषय ये है। दूसरा विषय है कि आजकल लोग अपने नाम की इनिशियल लेटर, पहले लेटर से, पहले अक्षर से अपनी राशि निर्धारित करते हैं, तो उसके आधार पर भी, तो ज्योतिष में भी तो ऐसा ही होता है, तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके आधार पर भी लोग राशिफल आजकल देखा करते हैं। तीसरा एक है जन्म की तिथि कब पड़ी, जैसे 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय सन साइन मकर होता है, कैप्रिकॉर्न होता है, और वो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक वहां रहेगा, 14 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में चला जाएगा, तो यानी हर एक महीने के लिए सूर्य एक राशि में रहता है, 12 राशियां हैं, 12 महीनों में वो पूरे राशि का चक्कर लगा लेता है, तो अपने जन्म की तिथि को उसी सेगमेंट के हिसाब से बात करो, सन साइन समझते हैं। सन साइन की जो संकल्पना है वो यद्यपि भारत की ही है, सूर्य सिद्धांत भारत ने ही दिया है, तब भी सन साइन के आधार पर फलादेश देखने की परिपाटी भारतीय परिपाटी नहीं रही है। क्यों नहीं रही है, जब यहाँ ओरिजिन इंडिया में था तो परिपाटी क्यों नहीं रही है? इसीलिए कि जो भी एक तो जन्म पत्री की राशि है वो भी चंद्रमा से निर्धारित होती है, और जो आपके नाम राशि है वो एक काम चलाओ व्यवस्था है। यदि आपकी जन्म पत्री उपलब्ध नहीं है, आपकी तिथि मालूम नहीं है, तो आप कैसे अपने बारे में जानेंगे, तो वो एक काम चलाओ परिपाटी विकसित की गई है। और सूर्य चूंकि पृथ्वी से अत्यधिक दूर है, सूर्य की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंच जाती हैं, तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, और इसीलिए चंद्रमा की राशि का ही महत्व अधिक दिया गया है। तो इसलिए यदि आपके तिथि मालूम है तो आप अपनी जन्म की राशि के हिसाब से ही राशि फल देखें और सभी फल ज्ञात करें। आप नाम राशि तभी उपयोग करें जब आपकी जन्म पत्री, जन्म की तिथि नहीं उपलब्ध हो, तभी नाम राशि का उपयोग करें। पंडित जी, एक सवाल प्राची सिंह सेंगर का है, वो कहती हैं कि हम क्या इस ग्रहण को अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं या नहीं? ग्रहण को देखने में चंद्रमा वाले ग्रहण में उतना रिस्क होता नहीं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी धीमी होती है, लेकिन मैंने जो पीछे व्याख्या की है उस पूरी व्याख्या को ध्यान में आप रखेंगे तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु मैंने क्या कहा कि राहु उन प्रकाश पुंजों का नाम है जो चंद्रमा से परावर्तित होकर आ रहा होता है, यानी जो बैड रेस। और वराह मिहिर ने जो राहु का वर्णन किया है, वराह मिहिर ने हाँ अपने ग्रंथ में जो वर्णन किया है उन्होंने, तो बृहद संहिता में उन्होंने साफ कहा है कि राहु का अर्थ है ब्लैक, अंधकार। हाँ, यानी कि जब जब सारे प्रकाश विलीन हो जाते हैं तो काला हो जाता है, तो उस कालिमा का नाम राहु कहा है, यानी कि उसमें सभी प्रकाश समाहित भी है और विलीन भी है। विलीन का अर्थ लीन हो जाना भी होता है, मिल जाना भी होता है, तो सारे प्रकाश मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, यानी कि वो अनरीडेबल हो जाते हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसी अवस्था किरणों की उस अवस्था का नाम राहु है, तो वैसे में नंगी आंखों से देखने से बचना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ किट्स का उपयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए एक सुरक्षित रहेगा, और वैसे नंगी आंखों से एक्सपोज होना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। पंडित जी, बहुत से सवाल आ रहे हैं। बहुत से सवाल आ रहे हैं। आप शिवानी है हमारी सहयोगी, शिवानी पूछेंगी क्या सवाल है। राशियों के लिए बहुत से सवाल आ रहे हैं कि राशि का असर हमारे जीवन में, शादी पे या फिर जॉब पे कुछ पड़ता है, क्योंकि लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मेरी शादी का योग है क्या। ग्रहण से हटकर सवाल है, राशि की बात हो रही थी इसलिए लोगों ने पूछा। उनको उनको थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहिए। पंडित जी, एक शादी से जुड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अंजलि सेमवाल है, पूछती है कि मेरे दोस्त की आज शादी है, शादी का क्या है मुहूर्त, मतलब मुझे नहीं जानकारी है कि अभी मुहूर्त है या नहीं है, तो उसके आज उसकी शादी है, तो पूछती है कि उसके वैवाहिक जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ग्रहण की वजह से। शादी में विशेष समस्या होगी नहीं, लेकिन वो प्रयास करें कि ग्रहण के समय के बाद विवाह करें, क्योंकि पहले सूतक रहेगा और सूतक के समय शादी एक अत्यंत शुभ कर्म है, और उसको एक आप प्रकार उसको ऐसे भी समझ सकते जीवन के एक नई धारा का प्रवाह, मतलब प्रारंभ है। तो इसलिए आप ग्रहण के पश्चात अगर विवाह करें तो अधिक उपयुक्त होगा। वैसे व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल कई चीजें बुक की जाती है विवाह में, तो उसमें खर्चे वर्चे का भी विषय रहता है, टेंट से लेकर तमाम चीज, तो वैसी व्यवस्था हो तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप बच सकते हैं तो उससे बच करके ग्रहण के बाद करें। पंडित जी, लोगों का ये भी सवाल है कि 2-3 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या ग्रहण का कोई असर है बारिश पे?
ग्रहण का असर तो बरसात पे आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि राहु और चंद्रमा जब निकट होते हैं तो बरसात हो भी सकता है, पूर्णिमा के आसपास बरसात की संभावना है, वैसे नियमित तो होती नहीं, पूर्णिमा दोबारा आते हैं, इसलिए इसका सीधा संबंध नहीं है, उसके और विषयों से संबंध है। पंडित जी, बढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट के अंत में, अब जानेंगे हर राशि का इस ग्रहण के वजह से हर राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी, आप इसको एक एक राशि करके, ताकि बहुत सारे सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं, उन सबका एक साथ हम जवाब देंगे, तो एक एक राशि से शुरू करते हैं। पहला है मेष। मेष राशि वालों के लिए सुख का आपको संयोग है, सुख मिलेगा आपको जीवन में, इस ग्रहण का प्रभाव पॉजिटिव होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो मूल संकल्पना है कि यद्यपि राहु मेष राशि से 12वें स्थान पर राहु की दृष्टि जा रही है और केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पर जा रही है, उस प्रकार से तो दृष्टि के कारण से वहां पाप कर्तरी योग बन रहा है, किंतु मकर केतु के साथ ही बैठा हुआ, ये मंगल केतु के साथ ही बैठा हुआ है मकर राशि में, और चंद्रमा पर ग्रहण होता है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो मंगल के बारे में कथन है कि मंगल ही अकेला ग्रह है सभी ग्रहों में जो राहु को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, इसलिए मंगल को अत्यधिक प्रभावित नहीं कर पाता है राहु, और इसीलिए आज नहीं कर पाएगा या कभी नहीं कर पाता, नहीं, मंगल को प्रभावित नहीं कर पाता है राहु, राहु मंगल के सामने ही असक्त होता है, बाकी के सभी ग्रह राहु के निकट आने से प्रभावहीन होता है। अगर जिनका मंगल उच्च का है तो उनको राहु का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए मेष राशि वालों के लिए सुख का फल मिले, बधाई हो भाई मेष राशि वाले। पंडित जी, एक छोटा सा फिर इसमें, जैसे मेरी राशि है धनु, कुंडली के हिसाब से मेरा नाम है अमित, मेरी राशि मेष, तो क्या मुझे इसका कुछ पूरा नहीं तो आंशिक कुछ लाभ मिलेगा? नाम का प्रभाव तो होता ही है, नाम का प्रभाव जीवन में आ ही जाता है, क्योंकि आपके जीवन में मिलने वाले सारे लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं, तो लोगों की भावनाएं आरोपित हो जाती है उस नाम के रूप में, तो उसका भी फल आपको मिलेगा, आप इसलिए परेशान ना हो, सुख मिलेगा आपको। हमारी सहयोगी है शिवानी, अगर शिवानी कोई सवाल है तो आप बीच में आप हमको सवाल पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। पंडित जी, अगली राशि कौन सी है? अगली राशि वृष। वृष सवाल तो नहीं, लोगों का बार बार पूछना है कि एग्जैक्टली कितने बजे से कितने बजे तक है ये ग्रह? 11:54 से आरंभ है आज की रात, 11:54 से ग्रहण पड़ेगा और प्रभाव 1:52 पर आ जाएगा, उस समय कम्प्लीटली चंद्रमा कवर हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, यानी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में। ये कितने बजे होगा? 1:52 पर पूर्ण हो जाएगा ग्रहण, एकदम पूर्ण रहेगा पूरा। ओके, हाँ, पूरा डार्क हो जाएगा उस समय, पूरा प्रकाश चला जाएगा उस समय जी, और राहु ये ग्रहण का मोक्ष कहते हैं, यानी ग्रहण समाप्त हो जाएगा जी, वो समय है 3:49। ये पंडित जी पूरा ग्रहण कह रहे हैं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, इसकी पूरी अवधि कितनी होगी, कितना लंबा? 3:55 स्पर्श से लेकर मोक्ष तक 3:55 का पूरा काल है, लगभग 4 घंटे। चलिए, हम लोग वृष राशि पर थे, वृष राशि वालों ध्यान से सुनिए, वृष राशि वालों को उनकी प्रतिष्ठा पर थोड़ी आंच आ सकती है, मान घट सकता है, तो आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, कहीं पर भी वृष राशि वालों कोई बात हो रही हो तो बहुत लिपिर लिपिर करने की जरूरत उनको नहीं है, आप प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, प्रतिष्ठा का अपना ख्याल रखें, नहीं तो कहीं भी आपका मान मर्दन ये ग्रहण कर सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है मिथुन। पंडित जी, हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण अधिक हानिकारक है, उनको यदि वो ग्रहण में अधिक एक्सपोज हुए या उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, अपने सुरक्षा के उपाय नहीं किए, तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकता है, कोई बीमारी इत्यादि से ग्रसित हो सकते हैं, तो इसलिए उनको मिथुन के लिए ही सर्वाधिक अनिष्ट कारक है, और इसलिए मिथुन वालों को बचना चाहिए ग्रहण में एक्सपोज होने से, बाहर निकलने से यह प्रयत्न करना चाहिए, और उनको उपाय भी अपने सुरक्षा के करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिनकी भी मिथुन राशि है उनको प्रिकॉशंस उसी लेवल का करना होगा जिस लेवल का प्रेग्नेंट लेडी करती है। हाँ, आप उतना ही ख्याल अपना रखें। पंडित जी, आप मिथुन राशि के कुछ नाम अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे, किन किन लोगों की मिथुन राशि होती है तो शायद उनको कुछ लाभ मिले, जिनको नहीं पता अपनी राशि, आप सुनिए कि अगर आपके नाम का अक्षर, पहला अक्षर
इस नाम से है जो पंडित जी बता रहे हैं। तो आप मिथुन राशि के, मिथुन राशि में का की कू घ अंग छ के को इतने अक्षर आते हैं, के को हाँ इतने अक्षर तक आते हैं, केशव वगैरह है ना, गोविंद ऐसा कुछ, इतने छगन लाल वगैरह। भाई जिनकी भी मिथुन राशि है आप प्लीज, बहुत प्रिकॉशंस की जरूरत है आपको इस ग्रहण में, तो आप लोग प्लीज 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 बाहर ना निकलें, कोई यात्रा ना करें। पंडित जी बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कर्क। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा इसको जानने से पहले हम बढ़ते हैं हाँ शिवानी की तरफ। शिवानी, सुनम शर्मा हमारी व्यूअर है, उनका सवाल है, सुनम शर्मा, सुनम शर्मा का सवाल है कि क्या ग्रहण का कोई असर हमारे रिश्तों पे भी पड़ता है। हाँ वही मैं अभी बताने जा रहा था जी। कर्क राशि का जो प्रभाव है, आपने जो प्रश्न किया एग्जैक्टली मैं वही आपकी की बात हो रही थी। सुन जी, कर्क राशि वालों के लिए अपने जीवन साथी को पीड़ा हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी कर्क राशि के लोग हैं उनके स्पाउस, उनके जीवन साथी को समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। और उनका जीवन साथी कहीं सूर्य ग्रहण में बाहर न निकले, उन तरंगों से प्रभावित न हो जो चंद्रमा से होकर आती हैं, इसका ध्यान रखें। मतलब अगर आपका ये महिला और पुरुष दोनों पर ध्यान रखें, अगर आप फीमेल हैं तो भी और मेल है तो भी प्रिकॉशंस रखने होंगे। आप महिला है तो पति का ख्याल रखिए, और पुरुष है तो अपनी पत्नी का, और ये प्रेमी प्रेमिका में भी शायद लागू होगा। हाँ, आप कह सकते हैं, चूंकि कॉन्शियसनेस से ही तो रिलेशंस होते हैं। एक बात इसमें गौर करने वाली ये है कि सपोज कि आपका जो कपल है वो मेष राशि का है, उनके लिए शुभ संकेत है, और आपकी राशि है मिथुन, तो सामान्यता तो मेष पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपका संयोग उनके साथ है, आपकी राशि मिथुन है, तो ये कुप्रभाव हो सकता है या नहीं, आप ये क्लियर करिए। नहीं, जीवन साथी के प्रभाव का विषय मैंने केवल कर्क राशि के लिए चर्चा की है, उसको दूसरे राशियों से मत मिलाइए, नहीं तो ज्यादा अधिक सब लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा। Okay. तो कर्क राशि वाले अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उनको एक्सपोज होने से बचाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों के लिए क्या होगा इस ग्रहण का प्रभाव जानते हैं। मैंने मेष के बारे में बताया सुख, यहाँ बोल रहा हूँ सौख्य, उनको सौख्य की प्राप्ति होगी। पहले आप मेरे दर्शकों को बताइए सुख और सौख्य में अंतर है। सौख्य का अर्थ है जीवन के साधन संसाधन सफलता से जुड़े विषय, यानी कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी, तो इसलिए आपके लिए भी खुशी का खुशहाली का प्रभाव है इस ग्रहण। यानी मेष को अगर आंतरिक सुख मिलेगा तो सिंह वालों को संसाधनों से भरपूर वो हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है जी। चलिए माफ कीजिएगा थोड़ी सी असुविधा के लिए, डार्कनेस आई होगी, डार्कनेस आई होगी बात, लेकिन आपको बिल्कुल वही पहुंची होगी जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, कभी दिखे कभी ना दिखे। अगला हम बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की तरफ। पंडित जी अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों का पर क्या इसका प्रभाव, कन्या राशि वालों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए कन्या राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी डिस्कशंस में न पड़े, विवादों में न पड़े, मन को दुखी करने वाले प्रसंग आने देने से थोड़ा सावधानी रखिए जी। तो चिंता के जो जो कारण हो सकते हैं उनसे बचने का प्रयत्न करें, उनके लिए ये ग्रहण चिंता लेकर आया हुआ है। मतलब कि अगर कहीं आप डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स के आसपास हैं तो उनको अवॉइड करें, बहुत वाद विवाद में ना पड़े, बहुत सोचे भी नहीं, ठीक है, चिंतन करें चिंता ना की से बचें, चिंता मनन करें आप चिंतन, लेकिन टेंशन ना लें, कुल मिलाकर के ये बात। पंडित जी अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों पर व्यथा का विषय है, यानी कि दुख के कुछ कारण उपस्थित हो सकते हैं, कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, व्यथा का अर्थ दोनों ही प्रकार के विषय है। ओके, अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक वालों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो सुने, इससे पहले हम पंडित जी शिवानी की तरफ बढ़ते हैं। शिवानी, क्या कोई सवाल है क्या? हाँ, सुनम शर्मा का फिर से आया। वैसे तो आपने कर्क राशि के बारे में बताया है रिश्तों के लिए, लेकिन इनके पति की राशि है धनु और इनकी है पाइसिस, और इनका सवाल है कि इनके रिश्ते में अभी अच्छा नहीं है, मतलब इनका रिश्ता भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका ग्रहण से संबंध नहीं है। ठीक है, अभी हम आएंगे सुमन जी धनु पे आएंगे। पंडित जी हम लोग चल रहे थे वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों को क्या इसमें प्रॉब्लम है? वृश्चिक राशि को श्री समृद्धि मिलेगी। श्री मतलब होता है धन, मनी, धन, यस, धनागम लेकर आया है ये ग्रहण,
उनके लिए जीवन में धन के लिए अच्छा प्रभाव। तो भाई आप लोग ढूंढिए अपने आसपास, अपने दोस्तों से पूछिए किसकी किसकी वृश्चिक राशि है, उससे पार्टी शार्टी का जुगाड़ आप कर सकते हैं आज के बाद से। ठीक है, अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव? धनी वालों की क्षति हो सकती है, उनको हानि हो सकता है, उनको लॉस। किस तरह का लॉस? अगर वो व्यापार में है तो व्यापारिक विषयों में सोचे, यदि नौकरी में है तो अपने प्रोफाइल और अपने नौकरी को बचाने सुरक्षित रखने के बारे में सोचे। अपने ऑफिस में प्रतिस्पर्धा इत्यादि कहीं चलती रहती है, कोई बड़ा निर्णय ना ले, कहीं लॉस हो सकता है आपका, तो इसलिए आप निर्णय में जल्दीबाजी न करें, अपने पोजीशन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, ये आपको हानि दे सकता है। दर्शकों अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वही राशि है जिस पर आज ये ग्रहण आ रहा है। और मकर राशि में मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं। ये भी ज्योतिष में चर्चा है केतु के चरित्र का वर्णन करते हुए, कुजवत केतु, यानी केतु का प्रभाव मंगल के जैसा ही होता है। तो आप ऐसा समझिए कि मकर राशि में एक मंगल नहीं है, दो दो मंगल बैठे हैं, यानी मंगल का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है प्रभावों का। तो सबसे अधिक चांदी मकर राशि वालों की। तो लेकिन मकर, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, कठोर ग्रह हैं, और जिस राशि पर होते हैं उस राशि वालों को चोट लग सकता है, उनको कहीं शारीरिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए घात यानी चोट इत्यादि से बचने का प्रयत्न करें। भैया कोई एडवेंचर मोबिलिटी को नियंत्रित करें, सावधानी रखें, सावधानी रखें, घर पे बैठो, बारिश हो रही है, चाय पकौड़े तलिए, एंजॉय करिए। पंडित जी बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कुंभ। कुंभ वालों को हानि हो सकती है, किसी भी प्रकार की हानि, हानि के सभी प्रकार आप ले सकते हैं, उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बचेगा जी। तो आप हानि के कोई भी ऐसे प्रसंग है जीवन में तो जरा संभाल कर। दर्शकों अंतिम राशि बची है मीन। आइए जानते हैं पंडित मुरारी शरण शुक्ल जी से कि इस ग्रहण का मीन पर क्या होगा प्रभाव। मीन राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया है, उनको लाभ होगा। लाभ, हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है तो उस पर बढ़िया से सधे हुए कदमों से बढ़िए, आप लाभ कमाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, और लाभ ही सब सुखों का कारण है, सुख और सौख्य दोनों का कारण है, तो इसलिए आप लाभ की स्थिति में है, खुश रहिए और आगे बढ़िए। तो मीन, मेष और मिथुन आपने बताया, इन तीन राशियों को विशेष लाभ है। मिथुन वालों को तो निगेटिव था। अच्छा अच्छा, सिंह सिंह सिंह, तो तीन राशियां हमने पाई, मेष सिंह और मेष सिंह और मीन, भाई तीन राशियों वालों को बहुत होने वाले ग्रहण के फायदे, और वृश्चिक भी। अब चार राशि वालों को लॉब्सकूप की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस, खूब जीवे जीवे। पंडित जी इसी के साथ हमारा ये फेसबुक लाइव अंतिम सेगमेंट समाप्त हुआ। आपका हम इससे पहले कि आभार व्यक्त करें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ज्योतिषी पंडित मुरारी शरण शुक्ल से अपने सवाल इस लाइव के बाद पूछने के लिए आप उनको अपना मैसेज, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं उनके उस नंबर पर। नंबर आप लोग लिख लीजिए, नंबर है 7217685539। एक बार नंबर मैं फिर रिपीट करूंगा, 7217685539। आपको मैसेज कब करें? मैसेज कभी भी कर दे, कॉल ना करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल इस पर तकनीकी रूप से लगेगी नहीं। आप सभी दर्शकों का, सभी पाठकों का लॉब्सकूप के इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। शिवानी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं फिर से लोगों को बताना चाहती हूँ कि ग्रहण का टाइम जी क्या हाँ, है? हम ग्रहण का टाइम एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं पंडित जी। 11:54 से आरंभ है, 1:52 पर पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा। 1:54 से कितना बताया आपने? 11:54 11:54 से ग्रहण शुरू हो जाएगा शिवानी, और उसके 9 घंटे पहले से सूतक आरंभ हो जाएगा, यानी 2:54 से। इसके बाद से आपको 1:52 पर ग्रहण का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा, पूर्ण ग्रहण आ जाएगा, और 3:49 पे भोर में समाप्त हो जाएगा। चलिए आप सभी को हमारे साथ लॉब्सकूप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आप लॉब्सकूप में आए, शुक्रिया।